नमस्कार दोस्तों, इंदौर से मैं राकेश अग्रवाल आपके समक्ष फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर हमसे मन की बात करते हैं और वे सुझाव मांगते हैं कि आप ऐसे सुझाव दीजिए जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो। हमें भी यह अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम भी हमारे मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें, सुझाव दें उन्हें। तो मैं आज एक विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के साथ भारत कैसा होना चाहिए, इसकी एक अगली कल्पना की जा सकती है, उस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है जिसे कहा जाए मच्छर मुक्त भारत का निर्माण। आज मित्रों, शायद पूरे देश के प्रत्येक गांव शहर में मच्छरों की बहुतायत है। निश्चित रूप से वो गंदगी से पनपते थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान लिया, उससे मच्छरों में कमी आई है, मच्छरों की संख्या में कमी आई है, परंतु फिर भी ऐसे अनेक स्थानों पर मच्छर जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और आम जनता को काटते हैं, जिससे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होती है। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में आज बहुतायत में मरीज पहुंच रहे हैं। उनकी इलाज पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, ना केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर बल्कि उनके इलाज में, दवाइयों में करोड़ों रुपया खर्चा होता है। ऐसे हजारों करोड़ रुपए का धन व्यर्थ ही मच्छरों के कारण वेस्ट हो जाता है। अगर ये बचे तो देश के विकास में इस पैसे का, इस रुपए का, इस धन का उपयोग किया जा सकता है। तो मच्छर मुक्त भारत कैसे हो, इसके लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक मिशन चलाना चाहिए, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, स्वच्छता तो रखी जाए, स्वच्छता के साथ साथ पूरे भारत में ऐसे कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाए जिससे मनुष्य के शरीर पे कोई नुकसान नहीं हो बल्कि मच्छरों का नाश हो, जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां ना हो। उसके लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम आयोजित करें, कार्यक्रम एक मिशन के रूप में चलाएं, केंद्र सरकार उसमें फंड जनरेट करे और एक मिशन के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया जाए कि मच्छर मुक्त भारत होगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत होगा। स्वस्थ भारत भारत के विकास में बड़ा योगदान देगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश जहां पर सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, आज वो युवा भी मच्छर के काटने से अस्पतालों में मरीज के रूप में भर्ती होते हैं और अपनी शारीरिक क्षमता को खो देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सुनो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात, मच्छर मुक्त भारत का निर्माण करें और देश की जनता को बीमारियों से मुक्त करें। मित्रों, आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे, इन्हें जरूर शेयर करें, लाइक करें और इन पर अपना कमेंट करें। मैं राकेश अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।